मुंगेर पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन की गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुंगेर के एसपी लिपि सिंह ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और किसी परिस्थितिवश या किसी मजबूरीवश जो लोग समाज की मुख्यधारा से अलग होकर रास्ता बदल चुके हैं उनसे मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है ताकि बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। एसपी लिपि सिंह ने कहा कि बंदूक किसी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता और शिक्षा के सहारे ही समाज में उन्नति लाई जा सकती है। मुंगेर पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस आपके द्वार प्रोग्राम का आयोजन बरामसिया जो कि धरारा प्रखंड का एक नक्सल प्रभावित गांव है वहां पे आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे 3 ग्राम रक्षक दलों की टीम को बनाया है और वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, फुटबॉल मैच का आयोजन, पेंटिंग कंपटीशन और 100 मीटर्स रेस जो कि महिला और पुरुष दोनों के साइड से करवाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे हमारे द्वारा जो है वहाँ पे यहाँ मुंगेर के चिकित्सकों के हेल्प से हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया जिसमें बच्चों की महिलाओं से संबंधित ब्लड प्रेशर या फिर और भी जो समस्याएं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और फ्री दवाई का वितरण भी किया गया है और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया जिसमें पुलिस की तरफ से तथा संथाल नाच और जो कूड़ा का जो एक मुरमू नाच है उसका भी आयोजन किया गया था। तो ये एक हम लोग की पहल थी जो है कि जो पुलिस है वो रक्षा के लिए है और हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे और इसी क्रम में हम लोगों ने जो एक पुलिस सप्ताह मनाया जाएगा 22 से 27 तारीख के बीच में तो उसके आलोक में हम लोगों को एक गांव का को गोद लेना था जहां पे जाकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किसी एक गांव में चूज करके वहां पे शिक्षा के संबंध में तथा और भी जो क्राइम जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वगैरह के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना है तो उसकी आलोक में हम लोगों ने बरामसिया गांव को अडॉप्ट भी किया है। हमारा ये उद्देश्य बरामसिया में कराने का इसलिए भी था कि ये काफी हार्डकोर नक्सली क्षेत्र माना जाता है और हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो है वहाँ परिस्थितिवश या मजबूरीवश अगर लोग अपना रास्ता बदल लिए हैं तो मुख्य धारा में वापस आ जाए, हिंसा या फिर जो बंदूक उठा करके आपको वो डेवलपमेंट या फिर आप एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे जो कि एक कलम की ताकत में होती है। तो हम लोग का ये संदेश था इस तरीके से कि पुलिस वहां जाकर के उन लोगों को मोटिवेट करें और शिक्षा की तरफ उनको मोड़ देगा जिससे कि वो लोग बेटर समाज बनाने में हम लोगों की मदद करें और उन लोगों का अपना बेटरमेंट हो। सबसे एक हम लोगों को मोटिवेटिंग बात ये लगी कि हम लोग तो वहाँ प्रोग्राम किए ही किए लेकिन जो गांव वालों का वहाँ जो हम लोग को सहयोग मिला उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि पहले मुख्य धारा से हट गए थे और फिर वापस बाद में वापस आकर के वो गांव वालों को प्रेरित भी करते हैं कि जो है वो मुख्य धारा में रहें और जो सरकार की जो स्कीम है और जो भी उनके लिए डेवलपमेंट के गोल्स हैं या फिर उनको जो है कैसे सशक्त या फिर स्वस्थ समाज बन सकता है उसकी तरफ प्रेरित करते हैं। तो ये हम मतलब बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा क्योंकि गाँव वालों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है।